कई बार पूजा करते समय हमारे साथ कुछ अजीब सा होता, जैसे ध्यान पाठ या पूजा कर रहे हो उसी बीच आंखों में आंसू निकलना। वैसे इसका अलग ही रहस्य है जिसे हर कोई नहीं जानता। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आंखों का नम होना, आंसू होना एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूजा करते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। क्या यही आंसू हमारी पूजा के सफल होने का संकेत देते हैं? शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। परेशानियों से कभी भी गिरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। भगवान कई बार अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं जिसे हम खुश होकर पास करते हैं। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपका अंतर्मन से भगवान का ध्यान धर रहे हो, उससे भगवान से आपका सीधा संपर्क हो रहा है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया कि अगर पूजा पाठ करते समय आँख से आंसू निकले तो समझना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ दे रही है। संकेत, जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका यह अर्थ है कि भगवान के उस रूप से आपका कनेक्शन हो गया है। कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई हो जो आपके आंसू को रूप में छलकाती है। पूजा करते समय आंसू आना या उबासी आना एक नकारात्मक काम भी हो सकती है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ धार्मिक ग्रंथ आरती में ना लगता है, साथ ही हमारा सारा शरीर भारी होने लगता है, तो ऐसे में समझना चाहिए कि कोई निगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। शास्त्रों में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकारते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय जमाइयाँ नहीं आने लगती है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय है। उसे मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे हैं। विचारों का अंतर्ध्वन मन को कभी चैन से नहीं मिलने देता। यदि आप किसी परेशानी में होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको जमाई या नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भारत में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे देवी देवता हैं, उनमें से आपको किसी भी जगह चले जाना चाहिए। वैसे जिस भी भगवान की पूजा करने पर आँख में आंसू आ जाए उन्हीं के तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा होने से भगवान पूजा से प्रसन्न हुए और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं।